घटनाचक्र ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आज आम आदमी पार्टी पर। 2014 का चुनाव नजदीक है। दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, 49 दिन के अंदर उस सरकार को वापस घिरा भी दिया, तमाम वादे किए गए थे, 18 मुद्दों पर समर्थन लिया गया था, सिर्फ जन लोकपाल के नाम पर इस सरकार से जो है वो वापस चले गए। तमाम दिल्ली की जनता परेशान है। आपको हम एक एक बातें, तमाम झूठ जो अरविंद केजरीवाल ने बोले हैं वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अपनी बातों से बार बार पलटे हैं अरविंद केजरीवाल। आइए जरा सुनते हैं एक बार फिर से, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं, किस तरीके से पलटते हैं अरविंद केजरीवाल। I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करता रहूंगा। अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा। संदीप दीक्षित से मेरा दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है, और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करता रहूंगा। अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा। एक ये कहा जा रहा है देश में मोदी की लहर है, मोदी की लहर है, मोदी की लहर है। मेरे को मैं पूरे देश में कई जगह घूम चुका, मैं कई राज्यों में गया, इन दिनों में मुझे कहीं लहर नहीं दिखाई देती। मोदी की पॉपुलरिटी के बारे में आपके क्या कहना? वो पॉपुलर है कि नहीं? सर, नेचुरली आज मोदी को लेके एक हवा तो है देश के अंदर, इसको नकारा नहीं जा सकता। तो ये तस्वीरें, ये बातें अपने आप बयां करती हैं किस तरीके से तमाम मुद्दों पर बदले हैं, किस तरीके से तमाम मुद्दों पर पलटे हैं अरविंद केजरीवाल। ये तीन बातें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई बार अरविंद केजरीवाल पलटे हैं, चाहे वो सुरक्षा का मुद्दा हो, वीआईपी सिक्योरिटी को लेकर के, चाहे घर बदलने को लेकर के कि हम जो है बड़े घर नहीं लेंगे, और खुद उन्होंने इस बात की रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें दो घर जो है अलॉट किए जाए, 5-5 कमरों के। बाद में जब मीडिया में हल्ला हुआ तो उन्होंने उसको वापस कर दिया। इसके अलावा तमाम ऐसे मुद्दे, जनता दरबार का एक मुद्दा काफ़ी बड़ा था जिसके बारे में तमाम प्रचार किया गया था, लेकिन पहले ही जनता दरबार में जब भीड़ देखी उन्होंने तो घबरा से गए थे अरविंद केजरीवाल, और वापस जो है उसको जो है वापस कर दिया जनता को, और उसके बाद जो है कभी जनता दरबार नहीं लगा। बिन्नी साहब, आपको जनता दरबार के लिए, मोहल्ला सभा के लिए एक आइकन के रूप में प्रोजेक्ट किया गया था, जिस जब जहां कहीं भी जाते थे अरविंद केजरीवाल कहते थे कि ये मॉडल है हमारा, इस तरीके से काम होगा, काफ़ी लोगों के साथ, लोगों की समस्याएं लोग खुद सॉल्व करेंगे। पहले जनता दरबार के बाद ही जनता दरबार लगने बंद हो गए, आपने उस समय विरोध क्यों नहीं किया? नहीं, मैंने विरोध तो मेरा से पहले मैं विरोध कर रहा था उसका। दरअसल मैं बता दूंगा, एक सब चीज़ों को करने और कथनी में और करने में बहुत फर्क होता है। आपको एक सिस्टम बनाना होगा। मैंने लगभग 8 साल मोहल्ला सभाएं की हैं, मोहल्ला सभाओं के माध्यम से अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट किया है, लेकिन उसके लिए सिस्टम बनाया। हमने अपने वार्ड को 6 हिस्सों में, 5 हिस्सों में बांटा, हर हफ्ते उसको अलग अलग हिस्से के बांट के अलग अलग क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनी। आप उल्टा काम कर रहे हैं, आप पूरी दिल्ली की जनता का आह्वान कर रहे हैं एक जगह बैठ के, आप कैसे कंट्रोल करेंगे, आपके पास प्लानिंग क्या है, आप कैसे लोगों की समस्याएं सुनेंगे? आप मतलब ड्रामा करना चाहते हैं, आप वाहवाही लूटना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता सामने आ, जो सच्चाई से, प्लानिंग से आप काम नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे। भाई आपके पास 70 विधायक हैं, 70 विधायकों में 28 जीते हैं, आप 28 लोगों की अलग अलग जिम्मेदारी बांटिए, एरिया बांटिए, वो लोग समस्या सुनेंगे। आपको लगता है सारा श्रेय मैं लूँ, सारी वाहवाही मैं लूटूँ, किसी को कोई काम ना दूँ? इस बात से बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता इस दिल्ली का कि इस बार विधायकों को 1 रुपये फंड नहीं मिला। पिछले 8-9 महीने से दिल्ली में डेवलपमेंट के सारे काम बंद पड़े, जितने भी कामों के वर्क ऑर्डर हुए उन सारे वर्क ऑर्डरों को मुख्यमंत्री बनते ही इन्होंने स्टॉप कर दिया। आज दिल्ली की स्थिति, मैं तो मानूं कि पिछले 7-8 साल पीछे चली गई है दिल्ली, सारे डेवलपमेंट वर्क रुक गए हैं। आज देखो समस्याएं रोज प्रतिदिन बढ़ रही हैं, ट्रैफिक बढ़ रहा है, सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, लेकिन काम और विकास रुक गया है। जो 8 महीने में नुकसान हुआ इसका भरपाया कौन करेगा? बहुत महत्वपूर्ण सवाल। अब जरा दिल्ली के मुद्दे पर आते हैं, आपके पास यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर रमन मलिक साहब। मलिक साहब, जो धोखा दिल्ली की जनता के साथ हुआ, आपको मिली थी 32 सीटें और इनको मिली हैं 28 सीटें आम आदमी पार्टी को, सरकार इनकी बनी, 49 दिन के बाद ये सरकार गिर गई, दिल्ली की जो जनता को जो झेलना पड़ रहा है, जिस तरीके से सरकार से बैकआउट हुए अरविंद केजरीवाल, इस समय राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, बिजली के बारे में जो वादा किया गया था वो अब पूरा नहीं हो सकता है, उस पर जो जांच हो रही है उसका क्या होगा पता नहीं, पानी के मसले पे तमाम लोगों को पानी मिला नहीं है, ये अब गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, क्या दिल्ली की जनता के साथ धोखा नहीं हुआ है? देखिए, सबसे पहली बात तो इनकी सरकार बननी इटसेल्फ एक धोखा था, एक भ्रम था, एक छलावा था।
जैसे आप बाइट्स में दिखा चुके हैं उसको मैं रिपीट करूं उसका कोई फायदा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इन्होंने करा क्या? अब आप एक एक बयान को इनको देखिए कि सबसे पहली बात, दिल्ली जल बोर्ड की बैठक में कुमार विश्वास साहब का होना और प्रेस विज्ञप्ति के सामने वहां पे बैठे होना का कोई मतलब ही नहीं था। वो वहां क्यों बैठे हुए थे? उसके बाद बड़ी अच्छी तरीके से ये बोला गया कि जी 20,000 किलो लीटर पानी फ्री दिया जाएगा हर उस परिवार को जिसके यहाँ चलता हुआ, सुचारू रूप से चलता हुआ बिजली पानी का मीटर है, माफ करिएगा, पानी का मीटर है। तो बहुत बड़ी संख्या जो है उसके पास तो पानी की पाइप ही नहीं है जल बोर्ड की, मीटर तो दूर की बात। और जहां जल बोर्ड ऐसा बोर्ड है शीला जी के दौरान ऐसा बना कि उसने मीटर कहीं ठीक है या नहीं है उसको उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, मीटर चलते रहे उनकी किताबों में, पानी की एक बूंद नहीं है। मैं उनमें से सेल्फ भोगी हूं। मेरे पास एक जगह थी जहां पे बिजली का पानी का कनेक्शन मैंने लिया हुआ था दिल्ली जल बोर्ड का, उस पाइप में पिछले 8 साल से पानी नहीं आया और मैं बिल देता रहा। उसकी वजह सिंपल सी है कि अगर नहीं दूंगा तो वो भी कट जाएगा तो मेरे मांगने का रह ही नहीं जाएगा और मैं खुद पानी लेता रहा। मेरा ये पॉइंट उठाने का मतलब ही सिर्फ ये है कि ये बहुत अच्छी तरीके से वेल स्क्रिप्टेड एक नाटक है जो दिल्ली की जनता ने अपने आप को पीड़ा देके देखा। मतलब कीमत उन्होंने पीड़ा की दी और नाटक इन्होंने खेला और वो दिल्ली की जनता ने देखा और आज उसको भोग रही है। दिल्ली की जनता ने भी मतदान जो करा वो इनके खिलाफ था, कोई इनके लिए नहीं था। 9 सीटें या 10 सीटें ऐसी थी, विनय जी आप तो खुद एक एमएलए हैं बताइएगा मेरे को, 9 सीटें या 10 सीटें ऐसी थी जिनमें हारने का मार्जिन 2000 से कम था बीजेपी का। और एक और बहुत बड़ी चीज जो उजागर हो रही है जी, कि इन्होंने एक इलेक्शन कमीशन में प्रावधान है कि अगर आपके घर के ऊपर जो पोस्ट कार्ड पहुंच जाता है तो उसको भी एविडेंस माना जाता है एज ए रेजिडेंस प्रूफ। मेरी जानकारी ये है कि ये ठप्पे लगवा के वहां से उठवा के भ्रष्टाचार का सहारा लेके ये वोट, आखिरी जो टाइम है दिल्ली के अंदर 13 लाख जब वोट कटे थे उसके बाद 3 लाख वोट और बने हैं आखिरी 1-1.5 महीने में। चलिए चलिए, रमन जी से मेरा एक सवाल है और बल्कि कुछ हद तक मेरी शिकायत भी है। रमन जी, आप लोग दिल्ली में गढ़ रहा है बीजेपी और आरएसएस का, और एक आदमी दिल्ली के अंदर आता है, कुछ सपने बेचता है, कुछ खिलौने बेचता है, और उसके इस खिलौने बेचने में आपकी जो मदर संगठन है वो उनको खिलाती है, पिलाती है, सब कुछ होती है। गलती एक बार हो सकती है, समझ में आता है, लेकिन आज पूरे दिल्ली में आपकी जड़ें पिछले 60 साल से हैं। लेकिन क्या बार बार जो आप बात कह रहे हैं कि वेल स्क्रिप्ट ड्रामा है, अगर ये आपकी समझ में आ गया है तो आपके पास इतना बड़ा कैडर है, इतना बड़ा पार्टी का नेटवर्क है, पिछले 6 महीने से आपके लोगों ने टेलीविजन के मीडिया पे, लोगों में, सभाओं में इसके लिए कोई उनको एक्सपोज करने की तैयारी की? मुझे भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग, हो सकता है वक्तन वक्तन जब कोई डिबेट होती है तो जरूर बोलते हैं, क्या मास लेवल पे जो दिल्ली के लोगों को गुमराह करके बेवकूफ बनाया है जिसे आप बार बार कह रहे हैं, क्या इसकी आपने कोई जबरदस्त रैली की है कि जहां इन लोगों को एक्सपोज किया जाए और दोबारा देश को ऐसे लोग गुमराह ना कर पाए? इसमें मुझे लगता हूं आपने कोताही बरती है पुष्पेंद्र जी। कोताही आपको जमीन पे शायद ना दिखी हो जिसके लिए आप कह रहे हैं, लेकिन इनका एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस सोशल मीडिया रहा। और आज अगर आप देखेंगे तो हमने सोशल मीडिया के ऊपर इनकी कथनी और करनी के फर्क जो हैं वो बार बार, चाहे वो फेसबुक का माध्यम हो, ट्विटर हो, दूसरे प्रावधान हो, मास मेलिंग है, ब्लॉगिंग है, उसके जरिए हमने तथ्यों के साथ दिखाए हैं और तथ्यों के साथ करी है। हमने बहुत सारी गोष्ठियां भी ऐसे करी हैं कि जिसमें बहुत एमिनेंट स्पीकर्स आके, राम बहादुर राय जैसे बड़े स्पीकर आके, उन्होंने बहुत क्लियरली लोगों को आज की जो परिस्थिति है पॉलिटिकल, इनके खिलाफ नहीं पर लेकिन जो पॉलिटिकल है, एक देखिए एनलाइटनमेंट करने के लिए समय लगता है और ग्रास रूट पे जाना पड़ता है। आप सिर्फ जनसभा करके आप किसी एक के ऊपर अटैक करें तो वो सिंपथी वेव खींचेंगे अरविंद जी,
लेकिन अगर आप उन्हें जनता को, लेकिन एक बात मानते हैं रमन जी, वो इस तरह से ग्रास रूट लेवल पे गांव गांव घर घर वो गए और इतना बड़ा उन्होंने पूरा सपनों का जाल बिछा दिया। आप लोग नहीं गए पिछले 10-15 साल में, लोगों से आप कनेक्ट नहीं रहे, कहीं ना कहीं हमारी गलती रही है। इसमें गलती नहीं कर रहा हूं, इसमें आपकी बड़ी कमी रही है। मैं कह रहा हूं अब अगर ये फ्रॉड, अब अगर ये अनार्किस्ट अराजकता का जो नेतृत्व कर रहा है, अगर ये पकड़ में आपकी आ गया और आप समझ गए तो आपको बहुत मैसिव लेवल पे इसका रैली करनी चाहिए। नहीं, बात सिर्फ फेसबुक और ट्विटर पे नहीं चलेगी बात। चले हम ग्रास रूट लेवल पे भी जा रहे हैं, तथ्य लेकर जा रहे हैं। चले एक एक सवाल का जवाब पुष्पिन जी आप दीजिए। यहाँ पर एक बात कही जा रही है, अब तमाम जगहों पर अरविंद केजरीवाल साहब कह रहे हैं इस बात को कि दिल्ली में जो 49 दिन की सरकार रही है वो आजाद भारत के इतिहास में सबसे बेहतर सरकार रही है, किसी भी सरकार ने आज तक इतने कम समय में उतना काम नहीं किया जितना 49 दिन में उन्होंने किया है। इस पर आपकी भी प्रतिक्रिया लेंगे और बिन्नी साहब की भी प्रतिक्रिया लेंगे क्योंकि ये जनप्रतिनिधि हैं। एक फिल्म थी अनिल कपूर की नायक, उसका भी 24 घंटे में जितने उसने रिजल्ट दिए उसमें दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाले, लेकिन वो 3 घंटे की फिल्म थी, उसमें 24 घंटे में उसने बहुत सारे रिजल्ट दे दिए। सवाल ये है कि 49 दिन में ये दिल्ली के लोगों को बताएं कि भाई हमने क्या दिया। पानी का वादा आपने किया था, फिर जब आए तो आपने उस पर 700 लीटर का राइडर लगा दिया, फिर उसमें साथ में एक और राइडर लगा दिया, 700 लीटर से आगे खर्च करेंगे तो पूरा पैसा देना होगा, बिजली के बिल आपने बढ़ाए, आपने कहा बिजली कंपनियों से के ऊपर हम उनके धांधलियों को पकड़ेंगे, उससे फायदे में सस्ती बिजली होगी, लेकिन आपने 375 करोड़ की सब्सिडी। तो बात यह है कि ये तमाम सारी बातें जो वो कह रहे हैं वो तो एक के बाद एक झूठ बोलने लगा था। बिन्नी साहब आपसे आना चाहेंगे, आप लोगों से जुड़ रहे हुए, क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल ये जो दावा कर रहे हैं ये जमीनी हकीकत है क्या? देखो दावे तो आपने 3-3 चीजें दिखाई हैं, तो दावा और तो ना दावा तो वो तो खत्म हो गया। उसकी वो झूठा इंसान है, वो क्या बोल रहा है उसकी आप वास्तविकता में मत जाइए। लेकिन उसके अलावा अगर देश में एक भी नागरिक, उसके अलावा एक भी बुद्धिजीवी, एक भी न्यूट्रल इंसान अगर ये कहता है कि अरविंद ने किया तो उसको मानना चाहिए। अरविंद की किसी बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए, वो तो झूठा इंसान है, अपने आप को दिखाने का कोशिश करता है कि मैंने बहुत कुछ किया है। मैं बताऊं कि 49 दिन में उसने एक काम बता दे जिससे सीधा जनता को फायदा हो, उसने ड्रामा किया, 60 दिन की स्क्रिप्ट लिखी थी वो 49 दिन में खत्म हो गई। वैसे तो 60 दिन में इसको जाना था, मुझे पता था कि प्लानिंग 60 दिन की है उन्होंने, लेकिन वो 49 दिन में चला गया। अरविंद के अलावा इस देश में एक भी बुद्धिजीवी वर्ग ये कह दे कि अरविंद ने काम किया तो इस देश को मानना चाहिए। अगर अरविंद कहता है तो अरविंद, मैं तो कहूंगा, अनुरोध करूंगा पूरे देश के लोगों से कि अरविंद की किसी बात पे विश्वास करना बंद कर दें। ये टीवी चैनल्स और आपके माध्यम से जो चीजें दिखाई जा रही हैं, लोगों को इसकी वास्तविकता समझनी चाहिए, पर्दे के पीछे क्या है और पर्दे के आगे क्या है, ये सब चीजों को बताता है। 49 दिन में इस दिल्ली का बेड़ा गर्क हुआ, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। आप क्या कर रहे हैं, आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं, लोगों के तो जा रहे हैं। मैं तो आपके क्षेत्र में जहां भी मैं बैठता हूं, मैंने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में, अपने लोकसभा क्षेत्र में सोशल मीडिया के माध्यम से मैं इस बात को, जितनी भी मेरा सामर्थ्य है, जितनी भी मेरे में क्षमता है, उसके अकॉर्डिंग मैं इसको काम को कर रहा हूं। सुबह से शाम तक मेरा उद्देश्य ही है, बीजेपी जीते कांग्रेस जीते उससे कोई मतलब नहीं है, आम आदमी पार्टी जीते, लेकिन लोगों के सामने वास्तविकता आनी चाहिए, क्योंकि हमारे दिल्ली के लोग कहीं लालच में, छोटे लालच में फंस गए थे। लालच में आके आदमी नुकसान उठाता है, आपसे जनता नाराज होती है कि आप क्यों, आप इतने दिन तक साथ में रहे। लोगों ने हमें बहुत मतलब परेशान किया कि हमारे बिजली के बिलों के हमारे केस रजिस्टर्ड हो गए, आप क्या कर रहे हैं, पानी हमारे घरों में आ नहीं रहा है, सीवर की स्थिति हमारे यहाँ खराब है, हमारे यहाँ डेवलपमेंट कम सार रुक गए। आज भी हम नाराजगी का शिकार हैं। लोग कहते हैं आपने कैसे लोगों का साथ दिया, आपने तो वो मॉडल पूरी दिल्ली को, अरविंद ने आप वाला मॉडल दिखाया। मैंने कहा भाई जब मुझे पैसे ही नहीं दिए, उसने एक रुपये फंड किसी विधायक को नहीं दिया, तो मैं उस मॉडल को कहाँ लागू करूँ, जब मैं आपके बीच में आके बैठूंगा, आप मुझे काम बताएंगे, मेरे पास पैसे नहीं, मैं कहाँ से करूंगा उसको। तो मैं दिल्ली की जनता को बताने का काम कर रहा हूं और काफी हद तक लोग समझ गए हैं। लेकिन अरविंद क्योंकि आज भ्रष्टाचार को छोड़ के और जाति और धर्म और की चीजों में फंस गए हैं और वो अलग तरह की राजनीति उन्होंने बंद कमरों में शुरू की है, एक पर्टिकुलर वर्ग को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। एक इल्जाम उन्होंने आप पर भी लगाया था और इल्जाम लगाया कि वो मंत्री पद चाहते थे, वो टिकट चाहते थे और तमाम चीजों के लिए जब हमने मना किया तो वो हमसे नाराज होकर चले गए। इस बारे में भी हमने उनको भी ये तस्वीरें दिखाई थी जिस समय एक बार उन्होंने ये कहा कि बिन्नी के साथ कोई झगड़ा नहीं है, कोई बात नहीं है, खीर खाने गए थे, अगले दिन जो है सब कुछ सामान्य हो गया। उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि नहीं, मीडिया क्यों इस तरह की चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा है। बाद में उन्होंने जब आप फाइनली अलग हुए तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो मंत्री पद पहले चाहते थे और अब वो टिकट चाहते थे। अब जरा पूरी वास्तविकता क्या है, क्या हुआ इसके पीछे, वो हमारे दर्शकों को बताइए आप, जरा वास्तविकता है। मैं आपको अरविंद की मानसिकता बता दूँ,
क्योंकि आपको मुझे अच्छा होता है कि आपने जो तीन चीजें दिखाई हैं उसमें ये भी दिखाते कि अरविंद ने पहली बार क्या स्टेटमेंट दिया था और बाद में क्या स्टेटमेंट दिया, क्योंकि अरविंद के जब भी आप अरविंद से सवाल पूछोगे, चाहे मीडिया पूछे, चाहे मैं पूछूं, या इस देश का नागरिक, कोई भी नागरिक पूछे, उसका जवाब कभी वो सीधा सीधा नहीं दे सकते हैं, उसका जवाब हमेशा आरोप के रूप में आता है। जब आप सवाल पूछेंगे तो आपसे आरोप लगाएंगे, मीडिया सवाल पूछे मीडिया पर आरोप लगाएंगे, मेरे साथी सवाल पूछेंगे इन पर आरोप लगाएंगे, उसी कड़ी में उन्होंने ये काम किया, मुझ पर आरोप लगा दिया। मैं इस देश की जनता से पूछना चाहता हूं, जिस दिन मैं अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ा था, अरविंद केजरीवाल की पार्टी और आम आदमी पार्टी की क्या इतनी औकात थी कि वो मुझे कुछ देने के योग्य थी? मैंने उस समय जाके एक जो चुना हुआ प्रतिनिधि उनको दिया, उसी के मॉडल को लेकर इन्होंने पूरी दिल्ली में प्रचार किया और उसी के प्रचार के बलबूते पे ये दिल्ली में 28 सीटें लेके आए। उसमें बहुत सारे मेथड्स जो मैंने अपने जीवन में, इससे पहले दो इंडिपेंडेंट चुनाव जीत के जो अपने चीजें अर्ज की थी, उन सब चीजों को उसने भुनाया, भुनाने के बाद और उसके बाद ये कहे मैं उनसे कुछ मांगने गया था। अरे आप दर्शकों को बता दीजिए, मैं आपको बता दूं कि कोई मुद्दे नहीं थे। मैंने पहले दिन कहा था 10,52,000 लोग आपको उसकी पहले दिन घोषणा करनी चाहिए, जो बिजली पानी के जिन पे केस रजिस्टर्ड है। इन्होंने कहा हमारे पास फंड नहीं है, कहां से देंगे? फिर मैंने कहा आपने झूठ क्यों बोला दिल्ली की जनता से? मैंने कहा हमें ऐसे मंत्रिमंडल में नहीं रहना जैसे आप विश्वास कीजिएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर के यहां आप आज आरटीआई लगाइए। पहले दिन जो लिस्ट गई थी उसमें 5 मंत्री और 1 मुख्यमंत्री की लिस्ट गई थी, उसमें विनोद कुमार बिन्नी का नाम था। मैं अरविंद के घर गया, मैंने जाके मना किया, मुझे आपके साथ नहीं रहना अगर आपकी ऐसी मानसिकता है। अरविंद ने पूरे देश में सबके सामने कहा कि बिन्नी हमारे घर आए थे, उन्होंने कहा कि मुझे मंत्री पद नहीं चाहिए और उसमें कुछ चीजें हुई थी वो हमारे घर में हो गई, हम सेटल कर लिया। ये पूरे देश ने देखा। उसके बाद जब मैंने सब लोगों के सामने बात रखने की निर्णय लिया तो उसके पास तरीका ही नहीं था, उसने सीधी सीधी एक बात कही कि भैया मेरे पे टिकट मांगने आए थे, मेरे से मंत्रिमंडल मांगने आए थे। अरे आप देने वाले होते कौन है? सबसे काबिल अगर आप कहूं तो आपके पास तो ABCD का भी एक्सपीरियंस नहीं था। अगर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मुझे था, मैंने 10 साल अपना शासन चलाया और नेशनल पार्टीज को, कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टियों को दूसरी बार में मैंने जमानत जब्त कराई है, तो ये कम छोटी बात थोड़ी है। सवाल आपसे पूछ लेते हैं, मलिक साहब की बात कंप्लीट करते हैं। एक बात जो उन्होंने कही थी वो आपसे जानना चाहेंगे। उन्होंने कहा था उस समय हमने ये निर्णय लिया है किसी विधायक को टिकट नहीं दिया जाएगा, राखी बिड़लन को टिकट फिर दे दिया गया, ये फिर से एक बार डबल स्टैंडर्ड। तीन लोग, साजे अलमी जो विधायक का चुनाव लड़ी उसको लोकसभा लड़ाया गया हारने के बाद, एक हमारे जो साउथ से चुनाव लड़ रहे हैं कैप्टन सरावत जी, उनको टिकट दिया। आज राखी बिरला को इनाम दिया, राखी बिरला को इनाम इसलिए दिया कि उन्होंने अपने लड़ने वाले MP से 7,00,000 रुपए प्रचार के लिए मांगे। अकबर जब प्रचार करेंगे जब आप 7,00,000 रुपए दीजिए, आपने उसको इनाम में ये उसको टिकट के रूप में दे दिया। आप हमेशा लड़ाना चाहते थे, बहाना ढूंढ रहे थे आप, और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य। अरविंद खुद तय करने जा रहे हैं, अरे आपने आपका एक आदमी के प्रति दूसरा दृष्टिकोण है, दूसरे आदमी के प्रति दूसरा दृष्टिकोण है। आपने तो ये कहा था कि भाई निर्णय हो गया कि हम किसी को चुनाव नहीं लड़ा रहे, तो आप कहां से चुनाव लड़ा रहे? आपकी कथनी और करनी में फर्क है, आप झूठे इंसान है, आप देश को गुमराह कर रहे हैं। मलिक साहब आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसका फिर मैं कमेंट। बिन्नी जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और ये उत्सुकता है शायद बहुत सारे दर्शकों की भी होगी कि आपने जो जितनी सारी बातें कही बिल्कुल ठीक है, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ये सारे प्रकरण में सरकार बनानी ना बनानी और इसका सहयोग और उसका असहयोग, इसमें ये जो संरचना हुई कांग्रेस का साथ लेने की और उसको ये दिखाने की कि वो उन्होंने अपने आप हमारे ऊपर थोपा है और हम अल्पमत की सरकार हैं, इसके पीछे क्या एक स्ट्रैटेजी थी? दरअसल मैं बता दूं कि ये एक दिखाने का, मैंने पहले भी कहा था, एक दिखाने का एक तरीका था कि हम किसी से समर्थन नहीं मांग रहे, लेकिन इससे पीछे पर्दे के पीछे कुछ हुआ था। मुझे जो जानकारी है बहुत उससे कि एक उद्योगपति हैं जिनके माध्यम से अरविंद केजरीवाल की कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ किसी 5-स्टार होटल में डिनर हुआ था और उस डिनर में बहुत सारी चीज़ें तय हुई थी। अरविंद जी और मनीष जी दोनों एक एम्बुलेंस में बैठ के उस होटल तक गए थे कि लोग देख ना पाएं, और उस एम्बुलेंस में जाके बहुत सारी चीज़ें वहाँ तय हुई, उसके बाद ये सरकार बनी। फिर उसके बाद एक मीटिंग कॉल की गई, हमको लोगों को बताया गया कि भाई ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन इसकी वास्तविकता आपने उसमें बोला था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुझे सारी चीजें टेप है या क्या है, मुझे ये सब चीजें बहुत बाद में पता चली अगर भाई ये ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि जब चीजें खुलती हैं तो बहुत बाद में खुली, लेकिन वास्तविकता ये थी, हमें कभी नहीं बताया गया, क्योंकि मनीष और अरविंद दो लोगों की इसकी वास्तविकता इसको पता थी। उन दोनों ने अंदर कमरे में बैठ के वो हीरो वाले या किसी ने बाद में बोला था कि मैं पवन मुंजाल जी या क्या कि हम सपोर्ट करते हैं,
पवन मुंजाल जी शायद वो उद्योगपति थे जिन्होंने वो मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी और उनके माध्यम से वो मीटिंग हुई थी। उसमें ये जग जाहिर है कि संदीप दीक्षित जी के साथ उनका नाम हमेशा जुड़ता रहा है और वो कांग्रेस के एक शीर्ष नेतृत्व के साथ उनका जुड़ाव है। और क्योंकि पिछले दिनों जब अन्ना जी और ने आंदोलन किया था दिल्ली में तो उस समय संदीप दीक्षित की बहुत बड़ी भूमिका रही थी उसमें, अरविंद के साथ दोस्ती के कारण इन लोगों ने टीवी चैनल्स पे अरविंद केजरीवाल को बैकडोर से संदीप दीक्षित के घर जाते हुए देखा था, तमाम चैनल्स ने दिखाया था बार बार रिपीट कर करके, ये वास्तविकता है पूरे देश ने देखी। चलिए 10 सेकंड में आप कुछ बोल दीजिए, उसके बाद अपने दर्शकों को बंद करते हुए एक बार वो तस्वीरें और वो दोबारा बातें वो दिखा दें, लेकिन मैं अरविंद केजरीवाल के बारे में 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं कि बटला हाउस एनकाउंटर के बारे में अरविंद केजरीवाल कहता है कि SIT बननी चाहिए, गलत हुआ है, लेकिन कश्मीर में एक मुसलमान शासक के निर्देशन में उसकी कयादत में हजारों लाखों पंडितों औरतों और लड़कियों के साथ बलात्कार करने के बाद उन्हें भगा दिया गया, वहां SIT की बात नहीं करता ये आदमी। आसाम में मुसलमान घुसपैठियों ने जिस तरह हिंदुओं को मारा वहां किसी की बात नहीं करता है। केरला में इस्लामिक आतंकवाद के ऊपर ये नहीं बोलता है। तौकीर रजा जैसे दंगाई मुसलमान के साथ मिलके चुनाव की रणनीति बनाता है उसके बारे में नहीं बोलता ये। ठीक, चलिए चलिए चलते चलते कार्यक्रम समाप्त करने का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले वो तस्वीरें उसी तस्वीरों के साथ आपको छोड़ के जाएंगे। और हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि एक बड़ी पार्टी, एक छोटी, एक ऐसी पार्टी जो कि पहली बार चुनाव लड़ी और लोगों ने बहुत भरोसा किया, किस तरीके से वो भरोसा टूटा है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। जाते जाते उन्हीं तस्वीरों के साथ, उन्हीं बातों के साथ छोड़ जाते हैं किस तरह कब पलटे केजरीवाल। संदीप दीक्षित से मेरा दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है और बच्चों की कसम है ना BJP से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करता रहूंगा, अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा। I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करता रहूंगा, अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा। देखिए कहा जा रहा है देश में मोदी की लहर है, मोदी की लहर है, मोदी की लहर है। मेरे को मैं पूरे देश में कई जगह घूम चुका, मैं कई राज्यों में गया इन दिनों में, मुझे कहीं लहर नहीं दिखाई देती। मोदी की पॉपुलरिटी के बारे में आपके क्या कहना, वो पॉपुलर है कि नहीं? सर नेचुरली आज मोदी को लेके एक हवा तो है देश के अंदर, इसको नकारा नहीं जा सकता।